सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग समास पाठ के पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज हम लोग समास के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्वाद अर्थात प्रथम पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देह लता, देह रूपी लता, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, नील कमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर, सज्जन सत जन, अच्छे जन, नरसिंह नरों में सिंह के समान। द्विक समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विक समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, नौ रात्र, नौ रात्रियों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह, बहुव्रीहि समास, जिस समास की दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनन जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, सुलोचना, सुंदर है लोचन, लोचन माने नेत्र जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ, जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नीलधन कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। संधि और समास में अंतर। संधि और समास परस्पर मिलती जुलती क्रियाएं लगती हैं, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पद का। संधि शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास है, आपके विकल्प हैं का द्विक समास, खा बहुव्रीहि समास, गा तत्पुरुष समास, घा द्वंद समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है, खा बहुव्रीहि समास। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। आपके विकल्प हैं का द्वंद समास, खा बहुव्रीहि समास, गा अव्ययी भाव समास, घा द्विक समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है, घा द्विक समास। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों की बीच में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। आपके विकल्प हैं का द्विक समास, खा तत्पुरुष समास, गा अव्ययी भाव समास, घा कर्मधारय समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है, घा कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। आपके विकल्प हैं का महापुरुष, महान तथा पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, वनवास, वन का वास, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है, गा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। लघुत्तरी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कर्मधारय और बहुव्रीहि का उदाहरण सहित अंतर बताइए। आपका दूसरा प्रश्न है, द्विक समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।